नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की हेडलाइंस के साथ। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राज्य शिक्षा सेवा संघ के पदाधिकारियों के प्रथम प्रांतीय सम्मेलन को किया संबोधित। नगरी विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन की स्थापना के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक। और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने शहीद नगर और खानुगांव क्षेत्र का किया भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को मिंटो हॉल में आयोजित मैनिट के पहले ग्लोबल एलुमनाई कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग का हर छात्र हर जगह फिट और हिट रहता है। मैनिट के इस आयोजन में 26 देशों में रह रहे पूर्व छात्रों ने सहभागिता की। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को मंत्रालय में वर्ष 2019 की शासकीय डायरी का विमोचन किया। डायरी के कवर पेज पर महात्मा गांधी का चित्र छापा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका मुख्य रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी गांधी जी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2019 महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भारतीय वामंग में विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान एवं अनुशील विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान ही आधुनिक विज्ञान का आधार है। यह हमारी भारतीयता की पहचान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा में भारतीय परंपरागत ज्ञान और नैतिक मूल्यों के समावेश की जरूरत है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की ग्राउंड स्टडी कर उसकी चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। इसी रणनीति के आधार पर विकास के कार्य करवाए जाएं। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए ये सुझाव दिए। मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। सामाजिक न्याय मंत्री लखन घंघोरिया ने अपने विभाग की बैठक ली। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन योजनाओं से वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अतः पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने आपकी पेंशन आपके द्वार योजना में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने शनिवार को राजधानी भोपाल के शहीद नगर और खानुगांव क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने शहीद नगर में नई पानी की टंकी का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी पानी की टंकी में आवश्यक सुधार कार्य, लीकेज बंद करवाने, वाटर प्रूफिंग करवाने, उसके आसपास बाउंड्री बनवाने और साफ सफाई करवाने के लिए कहा। मंत्री अकील ने खानुगांव में शासकीय डिस्पेंसरी स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शुक्रवार को खंडवा में जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि जनसुनवाई में आने वाले परेशान लोगों को सम्मान से बिठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएं और मौके पर ही समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की कोशिश करें। उन्होंने गर्मी के मौसम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य शिक्षा सेवा संघ के प्रथम प्रांतीय सम्मेलन में कहा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स चलाना जरूरी है। वहीं इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवर्तन की महती आवश्यकता है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, शोध और रोजगारोन्मुखी वातावरण निर्मित करना अत्यंत जरूरी है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना सबसे बड़ी चुनौती है, जो समाज की सहभागिता के बिना संभव है। इसमें निजी विश्वविद्यालयों की सहभागिता आवश्यक है। मंत्री जीतू पटवारी शनिवार को मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में विकास के नए आविष्कारों और नवाचारों की मध्य प्रदेश में संभावनाएं, चुनौतियां विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।